आज आप सबों को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत को पुनर्जागृत करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और दुनिया में भारत के संदेश को फैलाने में एक महर्षि के रूप में बड़ा योगदान दिया है और पूरी दुनिया में भारत को विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल के रूप में चुनकर हमारे ऊपर एक बड़ा उपकार किया है, युवाओं को एक अवसर दिया है कि हम अपने राष्ट्र नायक को याद कर सकें। इसलिए मैं नेहरू युवा केंद्र के युवा संगठक मैडम उसमें जहां और इनके पूरी टीम को अपनी ओर से और अपने पूरे नॉर्थ कैंपस परिवार की ओर से और उपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा परिवार की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया है। और आप सभी जानते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भौतिकी विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष जो हमारे विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक भी रहे हैं लंबे समय तक और संप्रति विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष भी हैं प्रोफेसर नवीन कुमार सर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आप सबों से अनुरोध है कि एक सर एक बार सर के लिए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव अकादमिक कुल सचिव एवं अध्यक्ष छात्र कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण पदों को आपने सुशोभित किया है और अभी जंतु विज्ञान विभाग के बड़ी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर नरेंद्र श्रीवास्तव सर। उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोगों को। और हमारे मित्र भुवन जी भी हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद हैं और आप सभी लोग जो भी नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं और विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं हमारे अमोद जी हैं दिल जी हैं आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अध्यक्ष जी की अनुमति से अब हम चाहेंगे सर्वप्रथम हम लोग विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी अध्यक्षों से अनुरोध है कि उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर देंगे। अतिथियों से अनुरोध परिवहन के साथ आज के कार्यक्रम पर शुभारंभ करने का कष्ट किया जाए। सौरभ जी आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कम उम्र में एक बार सवाल पूछ सकते हैं विवेकानंद ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है वो बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता है। और एक ऐसे महापुरुष हैं
जिनका चेहरा दिखने मात्र से हम सबों के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके कमरे में विवेकानंद की तस्वीर रहेगी तो आपको कभी भी निराशा, हताशा एवं कुंठा कभी भी आपको घर नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी अक्सर कभी कम अंक आने पर, कभी ज़्यादा सफल नहीं होने पर कभी निराशा हो जाती है, कभी हम लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर सिर्फ आप उस समय अगर विवेकानंद की तस्वीर को देख लेंगे या उनके चेहरे को अपने जहन में ला लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी निराशाएँ, सारी कुंठाएँ आपकी दूर हो जाएगी और आपके अंदर एक उत्साह का संचार होगा। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए आज हम सबको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं मंच के लोगों को सुनूंगा, उसके पहले हम चाहेंगे कि आप जो युवा हमारे बीच जो बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, आप लोगों में से कोई अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप आए, आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आप अपनी बात रखें। तो आइए आप लोगों से, दिल जी आइए कुछ बोलिए, आप लोग कोई भी आइए, स्टूडेंट सब, हमारी छात्रा बहने या छात्र भाई, कोई भी जो भी विवेकानंद जी के बारे में या युवाओं के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आइए बोलना चाहते हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर कुछ बात याद नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग और ऑल ऑफ यू, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित जितने भी मंचासीन पदाधिकारी हैं, उन सबको विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो ये बातें जो हम लोगों के बीच रखी गई है राष्ट्रीय युवा दिवस के समारोह पे, वह ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी जो थे वह हमारे देश के एक ऐसे धरोहर थे जिन्होंने अपने मंच के माध्यम से यहाँ देश और विदेश तक भी अपनी देश की बातें को रखी है। हम सब जानते हैं कि जो है 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और ये कलकत्ता के रहने वाले थे। आज भी हम लोग अगर कलकत्ता की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरठ की जो बात आती है, वहाँ पे एक आश्रम है, उसके द्वारा ये देख जो बताया जाता है कि युवा दिवस के शुभ कार्यक्रम पे आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों के जो जागृति की बात करते हैं वे सब उन सब में हम लोग को प्रेरित करने के लिए मंचासीन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, आप आइए और विवेकानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। आइए आप बोलिए, और भी कोई छात्राएं या छात्र कोई भी अगर बोलना चाहते हैं। कोई नहीं, इधर से कोई बोलिएगा आप लोग, कोई भी अगर आप लोग विवेकानंद जी के बारे में या युवाओं के बारे में कुछ भी आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो आइए और बोलना चाहिए, बोलने में क्या दिक्कत है, नहीं कुछ भी अपनी बात रखे, आइए आइए, पहले अपना परिचय दीजिए फिर अपनी बात। मेरा नाम अंशु कुमारी है, मैं पीजी प्रथम फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हम यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1984 में यह डिसीजन लिया गया था कि ये युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसमें इस दिन हमारे विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, तो हमारे देश में ये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि ये पूरे इंडिया में विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने सभी युवाओं का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। जब भी हमें कभी निराशा या फिर लोभ फील होता है तो इनके द्वारा कहे गए शब्द बहुत ही प्रेरणा स्रोत और इनकरेजिंग
होते हैं। और भी कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, आइए और विवेकानंद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि कर सकते हैं आप। और भी कोई तो लगता है कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं, तब मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से अब मैं मंच की तरफ आना चाहता हूं और सबसे पहले अपने मित्र भुवन भास्कर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए। आप जंतु विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये नहीं वर्क कर रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस को ये मौका प्रदान की है कि हम यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके, तो उनको धन्यवाद देते हैं। फिर मंच पर बैठे हमारे विज्ञान संकाय के संख्याध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार सर और हमारे विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव सर और हमारे निकटतम मित्र सहयोगी सुधांशु शेखर जी, इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सकुशल संचालन के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब अगर हम आते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए, तो ये हमारे लिए पूरे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित है कि हमारे ही देश से स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनको युवा दिवस के लिए इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनका यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो तिथि घोषित की गई, ये हमारे देश में पूरे संसार के लिए गौरवान्वित करने वाला है। और जहाँ तक युवा की बात है तो स्वामी विवेकानंद जी, जैसा कि सुधांशु जी ने बताया कि कभी भी एक हम किसी भी देश की किसी भी प्रदेश की किसी भी पूरे संसार में अगर किसी का जो है जिम्मेदारी टिकी है तो हमारे युवाओं पे ही टिकी है। अगर हमारे युवा सक्षम हैं, हमारे युवा आगे बढ़ के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो देश वो प्रदेश वो सब कुछ बहुत आगे से जो प्रगति करेगा और हमेशा वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए अगर हम सभी युवा मिल करके इनके आदर्शों को इनके सिद्धांतों को अपने जीवन में भली भांति अपनाते जाएं और उसको आगे बढ़ाते जाएं, तो हमारा देश हमारा समाज हमेशा जो गौरवान्वित रहेगा और हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि समय भी कम है, बच्चे भी सब लोग हैं, तो हम पुनः जो है धन्यवाद देते हैं और सुधांशु जी से कहते हैं कि कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएं। युवा जिस ओर चाहते हैं उसी ओर देश और समाज जाता है। युवा ऊर्जा के स्रोत होते हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है देश और समाज को बनाने की। और हमारे सौभाग्य का जो हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में कई पदों को सुशोभित करने वाले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुल सचिव अकादमिक भी रहे हैं, कुल सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष छात्र कल्याण भी रहे हैं और अभी संपत्ति जंतु विज्ञान विभाग के बड़ी प्रोफेसर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा युवाओं से जुड़े रहते हैं, युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं अपने विचारों से अपने कार्यों से। और विश्वविद्यालय में चंद कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार शिक्षकों में आपकी गिनती होती है, ईमानदार पदाधिकारियों में आपकी गिनती होती है और आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विस्तार से विवेकानंद जी के बारे में और युवाओं के बारे में भी और ऐसे भी जो समसामयिक समस्याएं हैं जो भी आप बोलेंगे सभी हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का ही काम करेगा, तो आप अपनी बातों को विस्तार से हम सबों के बीच रखें। प्रोफेसर नरेंद्र श्रीवास्तव सर, आप सबों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से मेरा नाम प्रस्तावित मुख्य वक्ता के रूप में करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं एक अध्यक्ष जो नेहरू युवा केंद्र की यहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं,
कुशनारा मैडम, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं संकायाध्यक्ष विज्ञान श्री रवीन कुमार सर को भी धन्यवाद देता हूँ और अपने सहकर्मी डॉक्टर भुवन भास्कर मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज की तिथि मनाई जाती है। अभिवक्ताओं ने बोला कि आज ही के दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। विवेकानंद उनका बाद में नाम पड़ा, उनका शुरू का नाम नरेंद्र देव था। युवा दिवस मनाने के पीछे, आज ही के दिन युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि विवेकानंद का जो जीवन काल रहा वो 39 वर्षों का था, उनकी जीवन 39 वर्ष ही थी और वो पूरे कार्यकाल जो थे वो अंग्रेज के शासन काल में था। उस अंग्रेज के शासन काल में जहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति दोनों पे अंग्रेजों का भी दबाव था, अंग्रेजों के द्वारा उसको बदलने की कोशिश हो रही थी और हम पूरे भारत के लोग उस समय गुलामी के जंजीर से जकड़े हुए थे। निश्चित तौर पे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और विवेकानंद की जो मृत्यु हुई है वो 1902 में हुई थी। तो वहां पे जो भारतीय संस्कृति था या सभ्यता था या समाज था, वहां पे आध्यात्मिक फिलोसफिकल तर्कशास्त्र के रूप में, फिलोसफी के रूप में और सामाजिक कुरीतियों का भी वहां पे बोलबाला था उस काल में, और गुलामी में तो हम थे ही। उस समय एक ऐसा व्यक्ति का उदय होता है जिसे हम आप आज विवेकानंद के नाम से जान रहे हैं, जिन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र रहा हो या राजनीति का क्षेत्र रहा हो या समाज सुधार का क्षेत्र रहा हो, तीनों क्षेत्र में समान रूप से उन्होंने काम किया। क्योंकि उनका कार्यकाल के जो भी राइटर है उस समय जो भी समकालीन पत्र पत्रिकाओं में वर्णन हुआ वो उपनिवेशवाद काल था, अतः उसकी व्याख्या जिस ढंग में होनी चाहिए ये थी उस अनुरूप नहीं किया जा सका। आज ये हमारा आपका दायित्व है कि हम विवेकानंद के चरित्र को पढ़ें, समझें। उनका एक बहुत प्रमुख, जैसे अभी बोला गया कि शिकागो में उन्होंने धर्म संसद वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में वो गए। उस समय पानी की जहाजें हुआ करते थे, वो जापान और जर्मनी घूमते हुए अमेरिका पहुंचे थे शिकागो, और वहां पर हम लोग को बताया जाता है कागज में, किताबों में, नेट पे, साइट पे हम लोग पढ़ते हैं कि द पार्टिसिपेंट्स वेयर प्लीज्ड बाय द स्टेटमेंट ब्रदर एंड सिस्टर। इस दो लाइन को बोल के विवेकानंद के पूरे भाषण को उसी दो लाइन में खत्म कर दिया जाता है कि विवेकानंद ने ब्रदर एंड सिस्टर बोला तो सभी खुश हो गए और ताली बजाने लगे।
यानी ये भी आपको सत्य से दूर रखने का ही एक प्रयास है। विवेकानंद ने वहां पर शून्यवाद पे भाषण दिया था, जीरो पे। उस शून्यवाद पे कोई चर्चा नहीं होती। क्या था शून्यवाद? क्योंकि वहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड के फिलोसफर्स पहुंचे हुए थे और वहां पे ईस्टर्न फिलोसफी के बारे में बतलाना था। भारत की फिलोसफी क्या है उसके बारे में बतलाना था और उसके बारे में उन्होंने शून्यवाद के रूप में वेदांत फिलोसफी को एक्सप्लेन किया। विवेकानंद वेदांत फिलोसफी के थे, मानने वाले थे। और जब वो शिकागो का कॉन्फ्रेंस होने के बाद वहां पर कुछ दिन रुके, उन्होंने वहां पे रामकृष्ण परमहंस ट्रस्ट का निर्माण किया। बहुत दिनों तक वहां पर रहे, उन्होंने संस्थाएं खोली, वहां पे कैंपिंग किया। और जब वो भारत लौटे तो दो बातें वहां पे आई जो कि हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे मिलता है वो। पहली बात क्या हम बोलते हैं कि विवेकानंद ने बोले कि उठो, जगो, बाहर निकलो, उस समय तक मेहनत करो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। आज भी ये लाइन प्रासंगिक है, आज भी आपको लेख पे ये मिलेगा। लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में बोला, वहां पर भी फिर इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है। उन्होंने इस सेंटेंस को बोला उपनिवेशवाद को हटाने के लिए, क्योंकि 1885 में कांग्रेस के स्थापना होने के बावजूद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मास मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ था। मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ चंपारण मूवमेंट के बाद। उसके पहले ठीक है छोटी बड़ी मूवमेंट होते रहे हैं भारत में, लेकिन मास मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा श्रेय हम लोग गांधी जी को देते हैं और देशाभिषेक, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। उन्होंने चंपारण मूवमेंट के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को मास मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट किया, लेकिन इसकी शुरुआत विवेकानंद ने किया था, जिसकी लाइन हम आप पढ़ते हैं। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में इसका असर भी पड़ा था, बिहार में भी उसका असर पड़ा। दूसरी लाइन हम लोग क्या पढ़ते हैं, विवेकानंद बोले थे कि धर्म नहीं, आप गरीबों की सेवा करो, गरीबों को भोजन दें। इसके चलते उस समय जो ब्रह्मनिज्म के ठेकेदार थे उनसे उनका विरोध का सामना भी सहना पड़ा। यहां पे भी उन्होंने क्या बोला, वहां पे इस रूप में उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी के बारे में बोला, यानी जीव जो है वही ब्रह्म का रूप है, जीव जो होंगे वो ब्रह्म के रूप है, दैट इज अद्वैत फिलॉसफी। ये अद्वैत ब्रह्म के बारे में बात बोला जाता है। क्या सही है? अद्वैत फिलॉसफी में बोला गया कि ब्रह्म और जीव, ब्रह्म का मतलब समझ रहे हैं, ब्राह्मण से नहीं है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा। बोला गया कि जो आत्मा है वही परमात्मा का रूप है, अगर आप किसी व्यक्ति के आत्मा को तृप्त करेंगे तो परमात्मा खुद ब खुद आप पे प्रसन्न होगा। इस आधार पे उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को मानते हुए एक दूसरा स्लोगन दिया जो कि आपको नेट पे पुनः मिलेगा कि आप गरीबों को भोजन करें, ब्राह्मणों को दान देने से वो अच्छा। यानी संक्रमण काल में, जिस काल की बात हो रही है, जिस काल में विवेकानंद थे वो एक संक्रमण का काल था। आप उपनिवेशवाद से जूझ रहे थे, आप ब्रह्मनिज्म के जो आडंबर थे, जो कुरीतियां थी उससे आप जूझ रहे थे, और आप फिलोसफिकल, क्योंकि यहां पर वेस्टर्न फिलॉसफी बोलता था कि नहीं मैं ऊपर हूं, ईस्टर्न फिलॉसफी को दबा रहा था। और बाद में चल के वेस्टर्न फिलॉसफी ने भी ईस्टर्न फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, और इतने काम को उन्होंने कितने दिनों में किया, 39 वर्ष में।
जबकि वो अध्यात्म के रूप में ग्रेजुएशन के बाद कन्वर्ट किए थे, ग्रेजुएशन तक उनका झुकाव अध्यात्म के तरफ नहीं था। बाकी जो बातें हैं कि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, ये आप लोगों को मिल ही जाएगा, और उन्होंने अपने बारे में कुछ किताबें भी लिखी, और उन्होंने जितने भी उस समय सांस्कृतिक कुरीतियां थी, ब्राह्मणिज्म का जो आडंबर था उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो अपने एक छोटे से कालखंड में 39 वर्ष का जीवन कोई बहुत लंबा जीवन नहीं माना जाता, एक छोटे से कालखंड में विवेकानंद ने समाज के हर एक आयामों को छुआ, समाज के हर एक जो भी हो सकते थे संभावित रिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन के लिए जो काम होना था वो उन्होंने किया, और इस दौरान उन्होंने कुछ ट्रस्ट भी निर्माण किया, कुछ ट्रस्ट का निर्माण किया। और इन सब को ध्यान में रखते हुए हम विवेकानंद के जो जन्म दिवस है उसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दी गई है। जैसा कि अभी एक कोई बनता क्या नाम है उसका, हाँ, उसने भी बतलाया और भुवन जी ने भी इस बात को बताया। अब आप विवेकानंद के चरित्र को जानना चाहते हैं तो उनकी कुछ किताबें हैं, कर्मयोग है, राजयोग है, ऑटोबायोग्राफी भी है विवेकानंद का, उसे आप जरूर पढ़ें, वहां से आपको स्फूर्ति मिलेगी। और भारतीय आज के समय में भी, अभी जो हम लोग का सांस्कृतिक अतिक्रमण का काल है, आज भी अतिक्रमण के रूप में सांस्कृतिक अतिक्रमण चल रहा है, फिलोसफिकल थॉट्स चेंज हो रहे हैं, फिलोसफिकल थॉट्स का रिप्रेजेंटेशन अपने अपने मन से किया जा रहा है। तो ईस्टर्न फिलोसफी बहुत ही बूढ़ है, और आज भी एक ऐसे विवेकानंद या युवा चाहिए भारत को जो कि उस ईस्टर्न फिलोसफी का सही व्याख्या करे और सही व्याख्या को भारत और विश्व के मानचित्र पर पुनः स्थापित करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। काफी प्रेरणादायी रहा और बहुत सारी भ्रांतियों का भी आपने निराकरण किया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि सर ने आप सबों को बताया विवेकानंद का जो योगदान है वह दो स्तरों पर है, एक तो भारत को बाह्य गुलामी, जिसे कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद हम कह सकते हैं, जो बाह्य साम्राज्यवाद था जो हमारे पूरे देश को एक प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए था, उसको उन्होंने मुक्त करने की कोशिश की। और दूसरा जो हमारा आंतरिक जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारी आंतरिक कुरीतियां थी, जो जातिवाद के रूप में, अस्पृश्यता के रूप में, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके रूप में, उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया और भारत को एक सबल सक्षम राष्ट्र के रूप में, एक उन्नत राष्ट्र के रूप में आगे लाने की उन्होंने कोशिश की। और लोगों को यह संदेश दिया कि सभी भारतीय एक हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप या लिंग का हो, वह सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। यह उन्होंने ही शुरू किया, उसके पहले हम भारतीय कहलाने में हमें कुंठा महसूस होती थी क्योंकि हम गुलाम थे और अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को एक खास जानवर से हमारी तुलना की जाती थी, जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो ये स्थिति थी हम भारतीयों की, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने पहली बार करके गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं और गरीब भारतवासी, दलित भारतवासी सब मेरा भाई है, उनका कोटेशन है, आप लोग कभी नेट पर पढ़िएगा, और कि भारत का जो धरती है वही मेरे लिए स्वर्ग है, यह संदेश उन्होंने दिया। और जैसा कि सर ने कहा कि वो वेदांत दर्शन के अनुयायी थे, वेदांत दर्शन के फॉलोवर थे, और उन्होंने लेकिन वेदांत को भी उन्होंने एक नए संदर्भों में आगे लाने की कोशिश की,
क्योंकि उनका यह मानना था जो वेदांत का जो संदेश है, जैसा कि सर ने आप सबको बताया, सभी एक हैं। वेदांत पूरी दुनिया में सबसे पहला दर्शन है जिसने की समानता का संदेश दिया, सब एक है, सर्व खलु इदम् ब्रह्म, सभी एक ही ब्रह्म है और ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, जीवो ब्रह्मैव न परम, इस तरह का संदेश दिया वेदांत ने। और लेकिन जब सभी एक है तो फिर जातिवाद कहाँ से आया, फिर अस्पृश्यता कहाँ से आई? तो ऊंचे आदर्शों के बावजूद हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियां आ गई थी उसको विवेकानंद ने दूर करने का प्रयास किया और वेदांत की भी एक व्यवहारिक व्याख्या की कि हमारा जो ये वेदांत है वह गुफाओं में, कतराओं में, ऋषि मुनियों के पास छुप गया है, वहीं तक सीमित हो गया है। तो उसको उन्होंने खेतों में, खलिहानों में और आम लोगों के बीच लाने की कोशिश की और बूढ़ाओं के पास से हटा करके उसको युवाओं, वेदांती युवा पैदा करने पर उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वेदांत का दर्शन जो है ये बूढ़ों के लिए नहीं है, ये गुफाओं में रहने वाले, कंदराओं में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये युवाओं के लिए है, ये खेतों में काम करने वाले, खलिहान में काम करने वाले, मैदान में काम करने वाले के लिए है। इसलिए विवेकानंद के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या करके उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की, उनके सिद्धांतों की उन्होंने विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत व्याख्या की, आधुनिक संदर्भों के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और सबसे बहुत अच्छा लगा मुझे सर का संदेश कि आज भी हमारे देश में वैसे युवाओं की जरूरत है जो हमारे दर्शन को, हमारी परंपरा में जो उदात्त तत्व हैं उनको सही संदर्भों में आगे लाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे परंपराओं पर बहुत सारे खतरे हैं, दो तरह के खतरे हैं। एक तो जो हमारे देश के विरोधी तत्व हैं वे यह मानते हैं कि हमारी परंपरा में सब कुछ बेकार है, ऐसा कहकर वो हमारी पूरी परंपरा को खारिज करना चाहते हैं। और एक तरफ कुछ पुनरुत्थानवादी लोग हैं जो कि यह मानते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही है, पूरा उदम जातिवाद को या अस्पृश्यता को ला दीजिए। तो दोनों तरह के खतरों से बचते हुए एक नई व्याख्या, एक नए विवेकानंद की जरूरत है जो कि हमारी परंपरा को, हमारे दर्शन को, हमारी सभ्यता संस्कृति को एक नए संदर्भों में और सही संदर्भों में व्याख्यायित करे। मैं सर के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी युवाओं की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष महोदय जो कि हमारे विश्वविद्यालय में लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक रहे हैं और आप भी युवाओं से हमेशा जुड़े रहे हैं, युवाओं की समस्याओं को आप हमेशा उठाते रहे हैं, उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और हम सबों ने आपसे अभी तुरंत कुछ देर पहले ही अनुरोध किया, इसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और पूरे युवाओं की टीम की तरफ से और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और हम सब का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर कविंद सर सुधांशु भावम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं आज मैं कुछ ही देर के लिए विश्वविद्यालय आया हूँ था, क्योंकि मैं आज के डेट में कहीं परीक्षा लेने के लिए जा रहा था। फिर भी हमको नरेंद्र बाबू ने कहा कि एक प्रोग्राम है आप उसमें सम्मिलित होइए, मैं उसको लेकर के आए। सबसे पहले इस राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है, आप सभी युवाओं को मैं आपके हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे पूर्व वक्ता नरेंद्र बाबू से और सुधांशु बाबू से सारी बातें सुन ली है। मेरा ही बस दो ही शब्द आप लोगों के बीच कहना है कि कहना है सबसे पहले कि विवेकानंद ने अपनी कम आयु में 39 वर्ष की आयु में जितने भी शोध किताबें लिखी और उस किताबों को आप युवा अध्ययन करें उनके वो प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और आप उस किताब के अध्ययन से एक सच्चे कर्मयोगी और नए विवेकानंद आप में भी प्रवेश करेगा। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इस राष्ट्र में सबसे पहले इतना तो कहने के पहले मैं इस राष्ट्रीय युवा दिवस के मंच पर आसीन हमारे अध्यक्ष के रूप में
हुस्न जहां जो जिला युवा संगठन नेहरू युवा केंद्रीय संगठन है और हमारे बीच में हमारे जंतु विज्ञान के बड़े प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे शिक्षक हैं भुवन मिश्रा प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जंतु विज्ञान के में उनका भी अभिनंदन करता हूं। और हमारे बगल में बैठे हैं सुधांशु बाबू जो अभी वर्तमान में जो विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव अवस्थापना के में भी कार्यरत हैं और ये बड़े ही और ये दर्शन शास्त्र के टीचर हैं और जब से ये आए हैं इस विश्वविद्यालय में कुछ न कुछ इनसे हम तो बहुत सीनियर हैं लेकिन मैं इनके बुद्धि से बहुत प्रभावित हूँ। कहीं कहीं मैं इनको इसको मैं छोटे भाई के रूप में जो भी सलाह होता है मैं देता हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत काम करते हैं और क्योंकि सच्ची लगन और निष्ठा से कोई काम कीजिएगा मैं युवाओं से कहता हूँ हर काम की आपकी मंजिल मिलेगी। और आप पहले मैंने हम जो चाहेंगे स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर आप चलें और उसके आदर्श को पालन करें तो आप इस देश के एक नए विवेकानंद के रूप में कितने विवेकानंद यहाँ निकलेंगे ये नहीं कह सकते हैं लेकिन बशर्ते आप लोगों के में एक संत निष्ठा कर्मयोगी और लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए। मैं इतना सा कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर सौरभ जी। और अब मैं अध्यक्ष महोदय को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा उसके पहले मैं चाहूंगा हमारी माननीय अध्यक्ष जी एवं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन बाबू दोनों मिलकर हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नरेंद्र श्रीवास्तव सर को सम्मानित करेंगे। हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय का प्रोफेसर नरेंद्र श्रीवास्तव सर जिनका आप लोगों ने अभी उद्बोधन सुना कि हमारे मुख्य अतिथि आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर नवीन सर का भी स्वागत करेंगे। नवीन सर समय में से हमारे लिए कुछ समय चुरा करके हमारे कार्यक्रम में आए उनका भी स्वागत करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप आए और हम सब को संबोधित करें कुछ नहीं जहाँ यही है आज के हमारे अतिथि नवीन जी मुख्य वक्ता के रूप में नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे डॉक्टर सुधांशु शेखर जी अतिथि के रूप में उपस्थित मंच पर आसीन सभी हमारे साथियों राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक एवं शिक्षक युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आज के दिन हुआ है और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये हम सभी जानते हैं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसे पूरे सप्ताह भर हमारे प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा जैसे शिक्षा दिवस स्वास्थ्य दिवस सांस्कृतिक दिवस खेलकूद दिवस शांति दिवस प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है हमारे जिसमें 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को हमारा समापन होगा यहाँ से होगा या फिर हमारे कार्यालय से होगा। ये विभिन्न प्रखंडों से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ एक बात और बताना चाहती हूँ मैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी 4 बजे संबोधित कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कुछ लोग हमारा यहाँ साथ दें सहयोग करें और उनका संबोधन इसी प्रोजेक्टर पर सुने ताकि ये इससे क्या होगा युवाओं में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा युवाओं का। मैं यही कामना करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सहयोग करेंगे इस काम में। 4 बजे से शुरू हो जाएगा ये कार्यक्रम और इसके बाद फिर हम इस प्रोजेक्टर पे ही देखेंगे इसको जो हमारे युवा साथी हमारी बहनें युवा साथी रुकेंगी उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत होगा यहाँ अभिनंदन होगा। धन्यवाद। सौरभ जी धन्यवाद दीजिएगा अध्यक्ष महोदया के प्रति सर धन्यवाद दीजिएगा।
मोदिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे विश्वविद्यालय को यह अवसर दिया इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। और तत्काल अभी हम लोग 4 बजे का इंतज़ार करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का। और 4 बजे हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा।